नमस्कार, प्रदेश की खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। तो डालते नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई, मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के नगला पोहपी में महिला की मौत की सूचना मिली। रुचि पत्नी आशीष की मौत की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ससुराली जन गायब थे और ग्रामीण बिजली करंट से मौत बताए, लेकिन रुचि का शव आंगन में पड़ा था। महिला सिपाही द्वारा शव का परीक्षण किया तो गले पर कुछ निशान दिखाई दिए। ससुराली जन नहीं होने से ग्रामीणों की भीड़ थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सीओ मौके पर पहुंच घटना स्थल का निरीक्षण किया और पूछताछ की। ये थाना ये गाँव है नगला पोहपी। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि एक विवाहिता है रुचि, उसकी संदिग्ध पत्नियों में यहाँ पर मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस सिकोहाबाद की SHO और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सबका हमने निरीक्षण करके कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो मृतका के घर के लोग हैं, उसके चाचा, उसके भाई और उसके परिवारजन यहाँ आ गए हैं और उनके द्वारा जो भी तहरीर अब दी जाएगी उसके अनुसार हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर, हमें सुबह 5:15 बजे फोन आया है हमारे पास कि आपकी सिस्टर ने लाइट पकड़ ली है, हम ट्रॉमा सेंटर लेके आ रहे हैं उसे। जैसे हम मैं पता चला तो वहाँ से घर से निकली बाइक से, जैसे हम 10-1.5 किलोमीटर आगे निकल गए तो तुरंत हमारे यहाँ पर पड़ोस में जियाजी रहते हैं, वह गाँव बूढ़ा में, उन्होंने फ़ोन किया कि वह एक्सपायर हो गई। तो यहाँ पर जैसे हम आए तो उन्होंने सब लोग बता रहे हैं कि लाइट ने पकड़ लिया है। सर, लाइट का कोई सबूत ही नहीं है उसके पास कि लाइट ने पकड़ लिया उसे। कि नार पर गर्दन पर फांसी का फंदे का निशान बना हुआ है और पूरा शरीर पीड़ा पड़ा हुआ है। BCN न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के दाऊदयाल स्टेडियम में आज स्वर्गीय बलवीर सिंह गुर्जर, पूर्व निरीक्षक नगर निगम फिरोजाबाद के स्मृति में आज पराक्रम द स्कूल ऑफ डिफेंस व खुशी इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर द्वारा सैकड़ों विद्यार्थियों की कराई गई दौड़ प्रतियोगिता। फिरोजाबाद में छात्र छात्राओं में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए आज दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मेयर नूतन राठौर व अतुल प्रताप सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया गया। वहीं इसी दौरान CO टुंडला द्वारा भी बच्चों की प्रतिभा को देखकर बच्चों का हौसला अफजाई करने के साथ साथ उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। वह कार्यक्रम के विशेष सहयोगी KDH चौहान, इंद्रपाल सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रवक्ता अमित गुप्ता, यशपाल यश द्वारा भी कार्यक्रम की व्यवस्था पूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। इस दौड़ प्रतियोगिता में महिला व पुरुषों ने 400 मीटर, 800 मीटर व 1500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाते हुए प्रतिभाग लिया। प्रतियोगिता में विजय रहे प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राओं में विशिष्ट अतिथियों द्वारा मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान शहरी व ग्रामीण वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सचिन बघेल, सचिन जैन, गोविंद वर्मा, कनक आदि सहयोगी भी मौजूद रहे। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण अभियान। इस अभियान के अंतर्गत सिरजगंज के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद में राजकीय महिला महाविद्यालय अराव रोड सिरसागंज में दूसरे दिन का किया गया आयोजन। इस शुभ अवसर पर माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर उनके लिए मुख्य अतिथि सुमन चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा पुवेता पोरवाल, महिला थाना अध्यक्ष सुषमा सिंह वर्मा, कंपत अग्रवाल, खांसी को रोकने का प्रयास करें नीरज पोरवाल, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर भगत शुरू, डॉक्टर चंद्रपाल, डॉक्टर आशुतोष रॉय, डॉक्टर सुरेश चंद एवं अन्य छात्राएं उपस्थित थी। देखिए, ये एक उच्च शिक्षण संस्था है, राजकीय महिला महाविद्यालय है जो उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करता है। हम लोगों का जो मिशन है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती हैं उन योजनाओं को अक्षरश अपनी संस्थाओं में लागू करने से हमारा तात्पर्य रहता है। इस योजना के तहत आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है,
उस कार्यक्रम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ नए आयाम उभर करके आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित और महिला कल्याण विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का अर्थ है कि हमारी छात्राएं कैसे सम्मानित हों, कैसे उनकी सुरक्षा हो और कैसे स्वावलंबी बने, इसके लिए ये कार्यक्रम हर ब्लॉक तहसील डिग्री कॉलेजों में किया जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे देश की बालिकाएं अच्छी वीरांगना बने, जैसी लक्ष्मीबाई थी, सावित्री थी, ऐसी बने। और प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दोनों की यही इच्छा है, इसलिए महिलाओं को और छात्राओं को ख़ास तौर से जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश में। बीसी न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में संयुक्त चिकित्सालय की आशा में फूटा आक्रोश। बैठे धरने पर थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में आशाओं ने किया धरना प्रदर्शन। शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में आशाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा, हम लोगों का पैसा 2 साल से नहीं आ रहा है और अधिकारियों से कहते कहते बहुत थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अधिकारी वर्ग हमारी किसी प्रकार की बात नहीं सुन रहे, अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे कि अगर आप लोगों ने हमसे अधिक कहा तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी धमकी भी आशाओं को दी जा रही है। आशाओं की उम्मीद इस समय तनख्वाह न मिलने से फीकी नजर आ रही है। आशाओं के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, अगर हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया तो हमारा यह धरना आगे तक जाएगा। सरकार को हमारी बात सुनना समझना चाहिए और हमारी बात पर ध्यान देना चाहिए। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रेस वार्ता शिवम रेस्टोरेंट में आयोजित की गई थी। फिरोजाबाद में आज प्रेस वार्ता का आयोजन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेस वार्ता शिवम रेस्टोरेंट में की गई, जिसमें संयोजक प्रदीप राणा, अध्यक्ष राकेश गौतम द्वारा बताया गया कि इस शोभा यात्रा को सभी जाति के व्यक्ति मिलकर निकालेंगे, जो 18 अप्रैल की शाम 3 बजे से शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अम्बेडकर शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से आगरा की तरह ही निकाली जाएगी, जो नई बस्ती से होते हुए सेंटर चौराहा, मोहल्लागंज, रामलीला मैदान, वर्फखाना चौराहा आदि अन्य मार्गों से होते हुए नगला करण सिंह अम्बेडकर महाविद्यालय में जाकर समाप्त होगी। इस वार्ता में मुख्य रूप से सोवरन सिंह, चंद्रमोहन चक्रवर्ती, के गांधी, केडी जाटव, प्रमोद कुमार, बॉबी लाला, रोमी सागर, महेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनोज संखवार, केशव देव संखवार, राम खिलाड़ी, वाल्मीकि और अन्य व्यक्ति भी काफी संख्या में मौजूद थे। आज प्रेस वार्ता जो हमने रखी है भारत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की शोभा यात्रा दिनांक 18 अप्रैल को निकलेगी। उससे पहले कार्यक्रम 14 अप्रैल का है रसूलपुर अम्बेडकर पार्क में, वहाँ विचार गोष्ठी है और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। रसूल का कार्यक्रम जो है सुबह 8:30 बजे का है और शोभा यात्रा का कार्यक्रम जो है 18 तारीख का नई बस्ती से 3 बजे का है। बीसी न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। हापुड़ के रेलवे स्टेशन के पास आज एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां एक युवक रेलवे की 25,000 किलो वैट की करंट की लाइन के पोल पर चढ़ गया। पोल पर चढ़ने के बाद करीब 10 मिनट के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। यह युवक करीब 2 घंटे तक 25,000 की लाइन वाले खंबे पर चढ़ा रहा, जहां देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पोल पर चढ़े हुए इस युवक को वहां मौजूद भीड़ ने काफी समझाया, रिक्वेस्ट की कि नीचे उतर आओ, मगर युवक नीचे उतरा नहीं। यह समझे कि उस युवक को ब्लास्ट होने के बाद नीचे उतरने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। काफी मशक्कत करने के बाद काफी लंबी एक सीढ़ी मंगाई गई, जिसको पोल पर बांधा गया और वहां रेलवे का एक इंस्पेक्टर पोल पर चढ़ा और उस युवक को काफी मशक्कत करने के बाद सकुशल नीचे उतराया गया। रेलवे इंस्पेक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा तो वह केवल यही बता पाया कि वह बिहार का निवासी है। अब क्या वजह रही वह पोल पर चढ़ा? अपनी जान की परवाह किए बिना वह पोल पर चढ़ा? यह सब उसके उपचार होने के बाद ही स्वस्थ होने पर पता चल पाएगा, मगर अच्छी बात यह है कि उसे सकुशल पोल से उतारा गया और उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। मेरा नाम इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, रेलवे सुरक्षा बल हापुड़। कंट्रोल से सूचना मिली थी और कुछ जागरूक लोगों ने फोन किया था मेरे को कि किलोमीटर 104 का 23 ये जो आवास विकास का पुल है
इसके पास कोई वच्ची में कोई आदमी गिर गया है, फंस गया है। पहले तो हमें लगा कि पुल से नीचे गिरा होगा, लेकिन जब यहाँ आए तो देखा तो बिल्कुल पोल के अंदर फंसा हुआ है वो, और उसकी किसी भी तरह की स्थिति नहीं है बाहर निकलने की। ये स्थिति देखी मैंने जब आया। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां अज्ञात वाहन ने दो बाइक सवारों को टक्कर मारकर कुचल दिया और मौके से फरार हुए। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दो बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं राह चलते व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवक को उठाकर जिला अस्पताल लेकर गए, तो रास्ते में ही दोनों युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक चांदपुर धनोरा गजरोला के रहने वाले बताए गए, जहां दोनों युवक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। वो जो बॉडी आई थी उसको हमने देखा जांच की मेरे द्वारा, तो ब्रांड डेट आई। वही पुलिस ने दोनों युवक के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। तो आज के प्रदेश के खबरों में वक्त चला है यही रुकने का। ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।